अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर उर्दू बुक। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू वर्ड फ्रॉम योर उर्दू बुक। आज हम आपकी उर्दू की बुक में से एक नया वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। एक नया हरूफ सीखेंगे उर्दू का, ठीक है। और उससे क्या क्या लफ्ज़ बनता है वो सीखेंगे जो आपकी बुक में है, और साथ साथ हम उसका साउंड भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलें देखते हैं आज हम कौन सा नया हरूफ सीखने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, Now you can see this is the page number 78 of your Urdu book, ठीक है। आपकी बुक का पेज नंबर 78 है जो मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हमारे पास जो नया वर्ड है वो है ज़ोएं, ठीक है। तो ज़ोएं आज हम पढ़ेंगे, उससे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, क्या क्या लफ्ज़ आता है उससे हम वो पढ़ेंगे, उसका साउंड पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ोएं की, ठीक है। ये जो ज़ोएं आप नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, इसके ऊपर आपने अपने फिंगर से इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। इसके डॉट पर भी ट्रेसिंग करनी है, ये फिंगर से आपने इसके ऊपर ट्रेसिंग करके, ठीक है, आपने इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। और फिर अब हम आते हैं इसके साउंड की तरफ, इसको हमने पढ़ना किस तरह से है। ज़ोएं ज, किस तरह से पढ़ना है आपने, ज़ोएं ज, ज़ोएं ज, ज़ुरूफ। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये बर्तन बने हुए हैं, तो बच्चों इसे आपने बर्तन नहीं कहना, ठीक है, ये ज़ुरूफ कहते हैं हम इसको उर्दू में, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं ज़ुरूफ, ठीक है, उर्दू में हम इन्हें ज़ुरूफ कहते हैं। ज़ोएं ज, ज़ुरूफ, ये लिखा हुआ है ज़ुरूफ, ठीक है। ज़ोएं ज, ज़ुरूफ, ठीक है, ज़ोएं ज, ज़ुरूफ। अब आपकी बारी, ज़ोएं ज, ज़ुरूफ, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं क्या बना है। यहाँ पर हमारे पास ज़ोएं से ज़रीफ है, इसे हम जोकर भी कहते हैं, ठीक है। जोकर से आप लोग इसे जानते होंगे, ज़रीफ से नहीं जानते, तो आज हम इसे पढ़ेंगे ज़ोएं से ज़रीफ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है ज़ोएं, ठीक है, और ज़ोएं से ज़रीफ, ठीक है। ज़ोएं ज, ज़रीफ, ज़ोएं ज, ज़रीफ। अब आपकी बारी, ज़ोएं ज, ज़रीफ, ज़ोएं ज, ज़रीफ, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर है हमारे पास ज़ोहर। ज़ोहर क्या होता है? ज़ोहर हमारी पांच नमाज़ों में से एक नमाज है जो हम दोपहर को पढ़ते हैं, ठीक है, जो नमाज हम दोपहर को अदा करते हैं, ठीक है। सबसे पहली नमाज होती है फजर, जो हम सुबह सुबह अंधेरे के वक्त अदा करते हैं। उसके बाद हम करते हैं ज़ोहर, ठीक है। ज़ोहर नमाज होती है दोपहर को, ठीक है, और वह दूसरी नमाज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ोएं से हमारे पास है ज़ोहर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बच्चा नमाज अदा कर रहा है, ठीक है। ज़ोएं ज, ज़ोहर, ज़ोएं ज, ज़ोहर, ज़ोएं ज, ज़ोहर। ये देखें, ये पांच नमाजों के नाम भी लिखे हुए हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ठीक है। तो ये जो दूसरी नमाज होती है ना, इसे हम कहते हैं ज़ोहर, ठीक है, ये हम दोपहर को अदा करते हैं। तो जी बच्चों, तो यहाँ पर आज की आपकी उर्दू की नए हरूफ की रीडिंग हो चुकी है कंप्लीट। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है, इसको पढ़ना है, और इसका होमवर्क मैंने आपकी होमवर्क कॉपी पर दिया है, ठीक है। पिक्चर्स भी दी हैं आपने, उसमें कलर्स भी करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी ट्यूशन कॉपी में भी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसे अच्छी तरह से याद करना है और भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छे बच्चे भूलते नहीं हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।